वहीं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आज बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जो यहां चिराग पासवान ने अभी कल ही अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल होने की अंदेशा जताया जा रहा है। अब माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रख सकते हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जो बेचैनी है अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव और वहां पर जनसुराज के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी, प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उनके आसपास के जो उनके सलाहकार हैं वो उनके पूरे फैसले लेते हुए नजर आते हैं, अब इसलिए उनको अपनी राजनीति से विराम दे देना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो शायद चिराग पासवान ये पूरी राजनीति समझ रहे हैं, और इसीलिए वो अब, उनको पता है कि अब नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सूरज है वो अस्त होने वाला है, और यही कारण है कि अब वो अपना नया सूरज उगाना चाह रहे हैं। बिहार की जनता को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, इससे ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला होने की संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद चिराग पासवान का दबदबा भी बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ज्यादा सीटों से नवाजती हुई नजर आ सकती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ रही है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जब सुनते हैं कि उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली भागे भागे पहुंच जाते हैं। वैसे में फिर से एक बार माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार शीर्ष कमान से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर उनको कोई सीटों को लेकर किसी भी तरीके का अंदेशा होगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें नीतीश कुमार बढ़ा सकते हैं। अब फिर से यही बात निकल कर आ रही है कि क्या नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से इस बार केंद्र में सरकार बनी है। ऐसे में नीतीश कुमार का हाथ पीछे खींचना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अंदेशा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा खेला होने की पूरी संभावना हो सकती है। दूसरी तरफ देखें, चिराग पासवान ने जिस तरीके से जाति जनगणना, आरक्षण और स्पेशल पैकेज और स्पेशल राज्य को लेकर जिस तरीके से मांग उठाई थी, उससे ये माना जा रहा था कि अब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी पीछे करते हुए नजर आएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान का बिहार में बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तभी तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं जब तक नरेंद्र मोदी की उनकी कमिटमेंट हुई है। उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी सरकार में रहेंगे तब तक वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इससे ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं या फिर अपना पद छोड़ देते हैं या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद चिराग पासवान कहीं ना कहीं किसी और बड़ी पार्टी का या अकेले ही चलते हुए नजर आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने साथ साध कर रखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार और चिराग पासवान में बाजी कौन मारता है, और जिस तरीके से बीते दिनों जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, ये सब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए थे, उसका कितना नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को उठाने पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी बेहद दिलचस्प होगा। बिहार में जो विधानसभा चुनाव है बेहद नजदीक है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटें सभी पार्टियां अपने पास रखना चाहती हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं। अब ये सीटों का बंटवारा किस तरीके से पार्टी में फूट डालेगा या फिर आपस में सामंजस्य बनाकर बिहार में चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर और बिहार के सियासत और राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।